आज मैं जीवन के वो 5 सूत्र आपको देता हूं, अगर आपने इसे सही से अमल किया, धारण किया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपका कल्याण होगा और आप बहुत आगे चले जाएंगे। क्या सूत्र है, ध्यान दें। पहला मेरा सूत्र है शिक्षा। शिक्षा वो सिरनी का दूध है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। इसलिए याद रखना, आप कुछ भी करें, कैसे भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो याद रखना जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। शिक्षा। दूसरा संदेश है हमारा संस्कार। चाहे जितनी अच्छी शिक्षा दिला देना, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार आप नहीं देंगे तो ये बच्चे आपको बुढ़ापे में आपका सम्मान नहीं करेंगे। और मैं हजारों लाखों परिवारों को रोज देखता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, तरह तरह की डिग्रियां दिला दी, लेकिन आज उन्हें बुढ़ापे पर सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शिक्षा के साथ साथ आप अपने बच्चों को संस्कार भी दें। और तीसरा मेरा संदेश है संगति। चाहे जितनी अच्छी शिक्षा दिला देना, चाहे जितने अच्छे संस्कार दिला देना, कुछ नहीं होने वाला है जब तक अपने बच्चों की आप संगति पर ध्यान नहीं देंगे। और संगति ऐसी चीज है कि अगर बुरे लोगों की संगति हो जाए तो बुरा इंसान हो जाता है, और अच्छे लोगों की संगति हो जाए तो अच्छा इंसान हो जाता है। यह ध्यान रखना होगा आपको। आपकी शिक्षा, आपके संस्कार तभी आपके काम आएंगे जब आपके बच्चों की अच्छी संगति होगी। और बच्चे अच्छी संगति तब कर सकते हैं जब मां बाप की अच्छी संगति हो। इसलिए ध्यान दें, 3 सूत्र हमने बताए, शिक्षा, संस्कार, संगति। चौथा है एकता। मैं देखता हूं आजकल घरों की, परिवारों की, गांव की, शहरों की, देश की एकताएं विखंडित हो रही हैं। लोग जाति के नाम पर, लोग काले और गोरे के नाम पर, वर्ग भेद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, तरह तरह की जातियों के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। याद रखना, मैंने पशु पक्षियों में इतनी एकता देखी है जिनकी मिसाल मैं आज आपके सामने देना चाहता हूं। मधुमक्खियों की मैंने एकता देखी है, जंगली जानवरों में हमने एकता देखी है। 5-7 स्यार इकट्ठे हो जाते हैं और एक शेर को मार गिराते हैं। क्यों? क्योंकि स्यारों की एकता है। आज मैं चाहता हूं कि मेरा देश, मेरा समाज, समाज में रह रहे सभी लोग एकता के साथ रहें, घर परिवार में एकता रहे। एकता को धारण करना पड़ेगा। पहला संदेश था शिक्षा, संस्कार, संगति और एकता। 4 संदेश हो गए। 5वां संदेश है मेरा व्यक्तिगत पहचान। जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान नहीं होती, वह आदमी किसी काम का नहीं होता। इसलिए आप प्रयास करें, इस संसार में अगर आपको जन्म मिला है, ये 3.5 हाथ की काया मिली है, तो आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपकी पहचान बने। कुछ ऐसा विशेष सुंदर कार्य, रचनात्मक कार्य करें, कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ कुशल कर्म करें जिससे आपकी पहचान बने। और संसार के जिस ग्रस्त व्यक्ति ने इन 5 सिद्धांतों का पालन कर लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वह व्यक्ति संसार में बहुत आगे निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं हो सकता। तो याद कर लिए, शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, ये 5 सूत्र हैं। ये सूत्र सभी के लिए है। इस दुनिया में रह रहे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जैसा वो खाना खाते हों, ये सब के लिए हैं। इनका पालन करना है और संसार में, इस भौतिकवादी संसार में हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर आपके बीच आता रहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।